Hey guys, मैं हूँ सौरभ। पता है बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, आपने मेरी गंदी शक्ल नहीं देखी। बट देन गाइज, मेरा एग्जाम्स चल रहा था और बहुत सारा काम था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। खैर, आपने मेरी प्रीवियस बुक्स वाली वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखाया, उसमें बहुत भर के व्यूज़ आए हैं, जिसमें मैंने अपने ग्रेड 6, 7, 8 और 9th का भी वीडियोज़ बनाया है। तो फाइनली हियर इज 10th ग्रेड का वीडियो, तो देख सकते हैं ये मेरी बुक्स में लिया है, स्टेशनरी वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक एक करके अपनी बुक्स दिखाता हूँ। तो पहले तो ये हमें मिली है साइंस की NCERT एग्जाम्पलर। ये बेसिकली इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज लाइक अ सप्लीमेंट्री। हमें अभी के लिए हमें साइंस की बुक नहीं मिली है, जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी नॉर्मल NCERT की, बट हमें एग्जेम्प्लार मिली है, वो वाली बुक हमें बाद में मिलेगी। हमारा अभी एक्चुअली हॉलीडेज चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर चल रहे हैं, उनका बुक्स नहीं दे पा रहे हमें, बट देन हॉलीडेज के बाद मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री, लेट्स टेक केमिस्ट्री, उसमें जैसे कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बुक आपको समझाती है। सो दिस इज वन NCERT एग्जाम्पल एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये है हमारी इंग्लिश की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, जो है इसका पार्ट टू। ये बेसिकली हमारा ग्रामर बुक है इंग्लिश के, हमें इसके अलावा दो और बुक्स मिली है जो कि स्टोरी बुक्स है, और ये है ग्रामर बुक। ग्रामर बुक इतनी यूज में नहीं आती है, मतलब इंग्लिश तो आपको पता ही है बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बिना पढ़ के जाओगे तभी भी स्कोर कर सकते हो, बट देन पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जो वरदान है आपके ज्योग्राफी एग्जाम पर, एग्जाम के लिए, मैप्स के लिए, देख सकते हैं ये पूरी बुक ये मैप से ही भरी हुई है, तो ये आपके लिए वरदान होने वाली है। अगर आपके स्कूल ने दिया भी नहीं है ना, तो आई सजेस्ट यू ये खरीद लो भाई, बहुत ही एग्जाम में हेल्प करती है। मेरे को हेल्प करी थी 9th में, मतलब जब भी जो भी आपके ज्योग्राफी के मैप्स हैं ना, इसमें अगर तुम एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करके जाओगे, मैं 100% बोल रहा हूँ फोल्ड हो गए एग्जाम। अब आते हैं हमारी हिंदी बुक्स पे। सो वी गॉट 2 बुक्स ऑफ हिंदी, वन इज़ द थिंग वन, और ये वाली तो बहुत ज़्यादा ही थिक है। एंड 9th में भी हमें 2 बुक्स ही मिली थी, इवन इन 8th वी गॉट 2 बुक्स। सो बेसिकली फर्स्ट वन इज स्पर्श, विच हैज़ ऑल द स्टोरीज, एंड दिस टाइम इन 10th वॉट दे डिड इज इन संचयन बुक दे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ चैप्टर्स, बट द चैप्टर्स आर हेला लॉन्ग, लाइक वन ऑफ द चैप्टर आर मैम टॉट अस द फर्स्ट चैप्टर एंड इट्स लाइक 10 पेजेस। सो या इन दिस आपको बहुत ही कम स्टोरीज मिलेंगी, बट देन बहुत ज़्यादा लंबी है, एक क्वेश्चन आंसर से याद करने में भी दिन रात गुजर जाएंगे तुम्हारे। हाँ, एंड दिस वन संचयन हैज ऑलवेज बिन द सेम, इट हैज़ मेनी स्टोरीज, चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ही कम है इसमें, 9th से तो कम ही है, और ईजियर है इस बार हिंदी 10th में, तो अच्छे से पढ़ना। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत छोटे छोटे ही होते हैं, पेजेस आर सेम ओनली एज 9th ऑब्वियसली। सो फर्स्ट आई शोड यू दिस NCERT एग्जाम्पल, राइट? सो वी गॉट 3 बुक्स ऑफ साइंस एक्चुअली। दिस इज द NCERT एग्जाम्पलर एंड दिस इज द एक्टिविटी बुक। सो वेन एवर योर मैम टेक्स यू टू द लैब टू डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्सेट्रा, यू हैव टू टेक दिस बुक, यू हैव टू नोट डाउन द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, मटीरियल्स रिक्वायर्ड एक्सेट्रा। तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट देन इट्स नॉट वेरी, मतलब मैं आपको बोलूँगा नहीं कि ये आपको लेनी ही चाहिए, बाकी ये वाली बुक ज़रूर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें तो खाली आपको कॉपी करके लिखना पड़ेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट्स है आपके मैम तो आपको बोर्ड पे लिखवाएंगी। एंड देन इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड 1। सो दिस इज द बेसिकली द स्टोरी बुक। अर्लियर आई शोड यू द ग्रामर बुक विच इज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 2। दिस इज बेसिकली द ग्रामर वन, and this one is the story book. This contains all the story books and question answers, and that's it about the English book. And इस बार हमें social science में 4 books मिली हैं, but then I only have 3 at a time, क्योंकि हमारे स्कूल ने अभी भी बहुत सारी books नहीं दी है, they'll actually give it after the summer vacation. So जो जो मेरे पास है I'll show it to you. ये है हमारी contemporary India, which is our geography. तो इस बार बहुत मोटी हो गई है बुक्स, लाइक इफ़ वी सी द इकोनॉमिक्स बुक ऑल्सो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी थिक।
So yeah, you have to study more. Obviously, that's the baddest part, right? ये थी ज्योग्राफी हमारी एंड ये है हमारी इकोनॉमिक्स बुक. इकोनॉमिक्स में भी इस बार इनने क्या किया है, दे डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, क्योंकि बुक तो बहुत ज़्यादा मोटी है. इसमें दो पार्ट्स है, मैं कंटेंट्स एक्चुअली निकाल के देखा था. इट हैज़ टू पार्ट्स है, सो बोथ पार्ट आर नेसेसरी. एंड ये है हमारी हिस्ट्री की बुक. अगर आप मेरी नाइन्थ वाली वीडियो में जाके देखेंगे जिसमें मैंने अपनी नाइन्थ ग्रेड की बुक शो की थी, दिस इज़ कंपेरेटिवली वेरी थिक टू माई नाइन्थ वाला हिस्ट्री का बुक, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि नाइन्थ में भी मैंने बहुत रगड़ा और टेंथ में हमें और पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से बोझ है. सो या इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. एनी वेज, दिस इज द हिस्ट्री बुक, वेरी थिक. दिस वन इज द मैथ. मैथ्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारी जो मैथ्स की नाइन्थ वाली नोटबुक थी, बुक आई मीन टेक्स्ट बुक हमारी जो थी, दैट वॉज जिससे ज़्यादा ही मोटी थी और हाइट भी बहुत ज़्यादा थी. उसमें चैप्टर्स भी बहुत सारे थे. इसमें भी चैप्टर्स उतने ही हैं, बट देन द चैप्टर्स आर शॉर्ट. और कंपेयरिंग टू नाइन्थ, टेंथ के चैप्टर्स आर वेरी इजी. आपको लग रहा होगा कि टेंथ के चैप्टर्स वुड बी हार्डर देन नाइन्थ, बट देन आई फेल्ट वॉज नाइन्थ के मैथ्स चैप्टर्स वर मोर हार्डर देन टेंथ. आई डोंट नो, इट्स जस्ट माई ओपिनियन. आफ्टर दैट वी हैव मैथ्स का लैब एक्सपेरिमेंट. इसमें भी वी राइट द मटीरियल्स रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन एंड वी डू. इसमें तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, बट देन इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है. लाइक लेट सपोज वी से पाइथागोरस थ्योरम, वेरी बेसिक एग्जांपल है, बट देन पाइथागोरस थ्योरम में भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ये शो करने के लिए. हम प्रूव करते हैं बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को. और जो जो एनसीईआरटी के हमारी बुक में चैप्टर्स मिल जाते हैं, ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू डू इन दिस लैब मैनुअल एज वेल. In fact, we have to do more experiments in the lab method. क्योंकि देखिए, अगर आप थ्योरी बेस्ड ही बस पढ़ लोगे तो नहीं हो पाएगा. You have to also understand it practically. So yeah, this lab one is also required. बाकी CBSE तो आपको देगी, उनको तो obviously आप समझ सकते हो. ये है हमारी notebooks. Notebooks में इतना कुछ खास changes है नहीं. सारी हमारी रूल notebooks हैं ऐसी वाली, इसमें एक लाइन पढ़ी हुई है. बाकी हमें नाइन्थ में पहले हमें एक साइड एक पेज रूल मिलता था, जो भी होता था राइट साइड, और एक लेफ्ट साइड ब्लैंक मिलता था. पर हाँ, मैंने वो आपके पे डिपेंड करता है. मतलब मैंने जैसे अपनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की नोटबुक, उसमें एक साइड रूल्ड है, एक साइड ब्लैंक है. क्यों मैंने वो वाली नोटबुक क्यों ली, मैंने अपनी मैम से ऑब्वियसली परमिशन लिया है. वाई आई टुक दैट बुक, बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो अगर आप रूल्ड वाले पेज पे करोगे आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा. सो आई सजेस्ट यू टेक दिस वन साइडेड रूल्ड वन साइडेड ब्लैंक पेज फॉर बायो केमिस्ट्री एंड SST ऑल्सो, क्योंकि SST में भी आपको बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं. जैसे हिस्ट्री हमारा हो गया, उसमें बहुत सारे जो स्कल्पचर्स होते हैं, बहुत सारे केव में जो डायग्राम्स नहीं बोलूँगा, जो भी केवमेंट्स ड्रॉ कर रहे होते हैं वो भी आपको ड्रॉ करना होता है अपने ब्लैंक वाले पेज पे. अगर आप रूल्ड वाले पे करोगे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वाली ले लो. बाकी ये सारी तो इंग्लिश सिविक्स वगैरह के लिए तो ये सारी ठीक है. हाँ, तो अभी आते हैं स्टेशनरी. स्टेशनरी में इस बार हमें ये भी दिया है, हर बार की तरह हमें ये दे देते हैं कलर्स, जो कि एक्चुअली कोई यूज में आते हैं नहीं. क्योंकि देखो टेंथ हो गया, टेंथ में वैसे ही हमारे टीचर्स हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, मतलब ऑब्वियसली जायज़ है प्रेशराइज करना, क्योंकि वी हैव बोथ दिस ईयर. बट आई डोंट थिंक सो कि ये देने का कोई यूज़ है, बिकॉज नोबडी इज़ गोना फ्रिकिंग यूज़ इट. लाइक हमारा आर्ट पीरियड भी होता है हफ्ते में एक बार, और वो भी कभी कभी सब्सटीट्यूशन हो जाता है, मैम आके ले लेती. आई नो इट्स वेरी इरिटेटिंग. हमारा ब्लू पीरियड भी बंद हो गया, बट देन इट्स कम्प्लीटली यूजलेस आई से. हाँ, तो इसमें तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा क्या क्या स्टेशनरी आइटम्स है. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपने मेरी पहली वाली सीरीज नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू गो वॉच दैट ऑल्सो. ऑब्वियसली आपका अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से, लाइक इफ यू आर इन 8th, यू कैन गो वॉच द 8th वन. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय.